गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट इसका सेकंड लेसन वर्ण विचार कराने जा रही हूँ। तो देखिए, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर हम बोल समझ सकते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें जो कि वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अब हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पर आपको वर्णमाला के रूप में कुछ वर्णों को बताया गया है। देखिए, पहले है स्वर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे 11 स्वर हैं। इसके बाद अनुस्वार, अंग और विसर्ग अह होते हैं, पर इन्हें स्वर नहीं कहा जाता क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवः, ठीक है। नेक्स्ट व्यंजन। अब व्यंजन को जानिए, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। लास्ट में ऊष्म, संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन बताए गए हैं। नेक्स्ट पेज, अब हम वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो आपको अभी लिखकर मैंने समझाए। अब स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा मार्ग में रुकावट नहीं बने, ठीक है, और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर। व्यंजन, स्वर के सबसे पहले आप स्वर के भेद देखिए। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब सबसे पहले आप ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा में समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, जैसे ए, ई, उ। सेकंड, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ठीक है, दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, औ। तो इस प्रकार हमने जाना दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, इसका प्रयोग ज़्यादातर बच्चों संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में केवल एक प्लुत स्वर होता है, ठीक है, जैसे ओम, है ना। स्वरों का मूल प्रयोग शब्दों के दो प्रकार से होता है, एक तो मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। मूल रूप में शब्द रचना में स्वतंत्र रूप से आने वाले स्वर को मूल रूप कहते हैं, जैसे आम, ऊम, इमारत आदि। मात्रा रूप में स्वर अपने जिस रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उन्हें स्वर का मात्रा रूप कहते हैं, जैसे नाम, किसान, मेला आदि। अब देखिए, हमने जाना, अब यहाँ पर हम आपको स्वर, मात्रा और शब्दों के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्वर, उनकी मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में बताया गया है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। विभिन्न स्वर तथा उनकी मात्राएं इस प्रकार से हैं, आ, ए की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे इसके शब्द होंगे नहर, महल, कलश आदि। आ, ये इसकी मात्रा है, ये इसके शब्द हैं, सारा, पालक, आकाश आदि। ई, ई की मात्रा ये है, किताब, मिलन, सितार आदि। बड़ी, ये ई की मात्रा है, दीपक, महीना, दीवार आदि। ओ, ये यहाँ पर आपको ओ की मात्रा बताई गई है और ये है इसके शब्द, गुलाब, सुबह, कुर्ता आदि। नेक्स्ट, बड़ा ऊ,
यहाँ पर इसकी मात्रा बताई गई है, शब्द बनेंगे मूल, कपूर, गूदा आदि। नेक्स्ट री, ये आपकी री की मात्रा है, इसके शब्द बनेंगे कृपा, वृक्ष, कृषक आदि। नेक्स्ट ए, ए की एक मात्रा होती है जो शब्द के ऊपर लगती है, जैसे सेना, सवेरा, करेला आदि। आई, आई की दो मात्राएं होती हैं, ये भी शब्द के ऊपर लगती हैं, जैसे सैनिक, पैसा, तैराक आदि। नेक्स्ट है ओ, ओ की एक मात्रा होती है, यह भी शब्द के ऊपर लगती है, मोर, ढोलक, कठोर आदि। औ, औ की दो मात्राएं होती हैं, शब्द बनेंगे पौधा, मौन, चौराहा आदि। इस प्रकार आपने स्वर, उनकी मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्दों को जाना। अब बच्चों आपको दिखाते हैं हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों को अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग स्वर तो नहीं होते, परंतु व्यंजन के साथ ये चिन्ह के रूप में लगते हैं। अब सबसे पहले आप जानिए अनुस्वार, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसका उच्चारण अधिक जोर से होता है, ठीक है। अनुस्वार शब्द के ऊपर लगता है बिंदी के रूप में, जैसे गंगा, पंजा, चंदा, मंदिर आदि। अनुनासिक, मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। ये अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे आँख, पाँच, मूछ आदि। नेक्स्ट विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, ठीक है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रात है, आत है आदि। नेक्स्ट व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं जाकर रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो नहीं जा सकता। व्यंजनों को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया गया है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, नंबर टू अंतस्थ व्यंजन, नंबर थ्री ऊष्म व्यंजन, नंबर फोर संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के दो अंग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे इस प्रकार क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, जो आपको नीचे एक सारणी के रूप में बताए गए हैं। देखिए ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जीभ, मुख आदि के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, जैसे य, र, ल, ब, ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन का प्रतीक है। स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अ रहित र जब दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है तो उसे रेफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में
मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के बाद उष्म हो जाती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेसन टू की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। देखिए लेसन टू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर हैं? वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ए, आ, आ, ई, ऊ, ए, औ, औ, इस तरह आपने जाना। दीर्घ स्वर टोटल 7 होते हैं। अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। 5, आँख, चांद, पूँछ, दांत। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो श, स, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, रिक्त स्थान भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण, पहले में क्या आएगा? वर्ण कहलाता है। स्वरों के 3 भेद होते हैं। वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। श, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, दो व्यंजनों के संयोग से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। तो आपको देखिए, यह है, पहला है चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को लिखिए। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे बच्चों 5, आँख, चांद। अनुस्वार लगाकर अंग, गंगा, रंग। विसर्ग लगाकर अतः, प्रायः, पुनः। क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। तो ये आ की मात्रा हो गई, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की, बड़े ऊ की, री, ए, ए, औ, औ, ये आपकी मात्राएं हो गई। बच्चों आपको ये वाला वर्क आपको अपनी कॉपी में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कॉपी वर्क है, ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों को के व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखिए। तो सबसे पहला है क्षय, तो क्षत्रिय, क्षमा। त्र, त्रिकोण, त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी। श्र, श्रवण और श्रम। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो वर्णों का क्रमवार रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला। ए, ई, ऊ और री हैं ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 है। और य, र, ल, व हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18 में है पहला बच्चों रचनात्मक गतिविधि। नीचे दिए गए स्वरों का प्रयोग मूल रूप तथा मात्रा रूप में करते हुए दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखी दिए गई हैं, ई, इमारत, इधर, किरण, किताब। अब है ए, तो एनक, ऐसा, थैला और पैसा, ये मात्रा रूप हो गया इनका। ओ, मूल रूप, ओस, और, मात्रा रूप, शोर, मुंगर। औ, औरत, औजार,
पौधा सौदा, ऋषि ऋतु, पृथ्वी वृक्ष। ठीक है, तो इसको भी आपको कॉपी में करना है, ये आपका कॉपी वर्क है। इसको भी बच्चों आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क पहेली से संयुक्त व्यंजनों को वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो आपको इसमें से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को सर्च करना है, ढूंढना है। ये शब्द होंगे ज्ञानी, श्रमिक, मित्र, त्रिकोण, कक्षा, मिश्रण। तो इस तरह बेटा बच्चों आपको मैंने ये लेसन 2 कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 कराऊंगी। तब तक आप सभी लेसन 2 को लर्न कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।